हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SMVDU दैट इज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। सो PhD के साथ बाकी कोर्सेज भी हैं, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो आप देख लीजिएगा। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे PhD एडमिशन्स की। सो उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली होम पेज पर विजिट करने के बाद एडमिशन पोर्टल या सेक्शन ओपन करना है, राइट? सो वही ये पेज है या वेब पेज है। सो यस, एंड मीनवाइल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई इशू है, कोई सजेशन है, सो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो देखिए, यहाँ पे आप लास्ट डेट देख सकते हैं जो कि स्क्रॉल हो रहा है। 20 जुलाई से लास्ट डेट। सो स्क्रॉल करेंगे तो ये फ्लायर है यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे ये 79th रैंक है अमंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बाकी भी आप देख सकते हैं। ये एज पर NIRF 2021 है। 2022 का भी वीडियो आई थिंक हम आज या कल में देखेंगे, या शायद हमने देख लिया हो, सो वो एक बार देख लीजिएगा आप। एनीवे, यहाँ पे एडमिशन नोटिस है। सो UG प्रोग्राम्स हैं, PG हैं, ओके, एंड यहाँ PhD का है ऑप्शन। सो PhD इज ऑफर्ड इन वेरियस स्कूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है। ये पोर्टल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें एडमिशन ब्रोशर को डाउनलोड करना है, देखना है। तो यस, हम ब्रोशर देखेंगे एंड यहाँ आप डिटेल्स के लिए देखिए, आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, टोल फ्री नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। सो देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी इशू होता है एंड आपको कन्फर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो आप बात कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पर। देन जो SMVDU का एंट्रेंस टेस्ट होगा PhD के लिए भी एंड बाकी कोर्सेज के लिए भी, सो इसके लिए ये लिखा हुआ है बेसिकली कि SMVDU एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा इन कोर्सेज के लिए, ओके। एंड बाकी यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, सो फ्लायर में आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ एडमिशन प्रोसेस। सो एडमिशन फॉर्म के सामने अप्लाई नाउ का है ऑप्शन, इसके थ्रू अप्लाई करना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ब्रोशर देखना है, तो यस, हम ब्रोशर भी देखेंगे एंड टोल फ्री नंबर यहाँ पे भी दिए हुए हैं। देन ID फिर से दी हुई है, सो इसे आप देख सकते हैं। तो हम अभी डाउनलोड करते हैं ब्रोशर, उससे पहले एक बार एप्लीकेशन पोर्टल को देख लेते हैं। सो आप उस पर क्लिक करेंगे, देन ये पोर्टल है जो कि ओपन होगा। सो इसमें टाइम लग रहा है, तो हम अब डायरेक्टली ब्रोशर ओपन करते हैं, बट यही इंटरफेस या पोर्टल है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, राइट? सो अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो यस, नाउ ये है एडमिशन ब्रोशर, इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी है। 78 पेजेस का PDF है, इसमें ओवरऑल सभी इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, सभी प्रोग्राम से रिलेटेड फैकल्टी वाइज भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इसमें हम स्पेसिफिकली 5th सेक्शन आप देखिए, ये है क्राइटेरिया एंड बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर का सेक्शन। इसमें स्पेसिफिकली 5.5 में PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसे देखेंगे। देन 5.9 सिलेक्शन प्रोसीजर है, वैसे पहले एंट्रेंस होगा देन इंटरव्यू होगा, यही प्रोसेस है। आफ्टर दैट कन्फर्मेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, इन सभी की इन्फॉर्मेशन है। सो पहले हम 5th सेक्शन ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर और कोई इन्फॉर्मेशन PhD स्पेसिफिक है तो उसे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो लास्ट डेट देखिए PhD प्रोग्राम की भी 20 जुलाई ही है। देन यहाँ पे सब्सिक्वेंट डेट्स हैं, सो ये एंट्रेंस के लिए है, ये मैट कैट, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ऐसे राइटिंग, ये MBA के लिए है। अगर PhD की बात करें, सो आई थिंक ये डिफरेंट लास्ट डेट वगैरह दी हुई है। सो PhD का एंट्रेंस कब होगा आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सो इसको हम एक बार देख लेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एप्लीकेशन प्रोसेसर ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये सारी बातें हमने देखी हैं, लिंक हमने देखा है। क्राइटेरिया क्या है PhD के लिए, अब हम उसे देखते हैं। सो यस, नाउ PhD प्रोग्राम के लिए क्या है क्राइटेरिया, किन किन स्कूल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो CSE में एप्लीकेशन अवेलेबल है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, देन फिलोसफी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, मैथ्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स या स्कूल्स हैं। क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 6.75 CGPA है आपके पास, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 6 CGPA एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में है, या मार्क्स 60% है आपके, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने
करने के लिए ये मास्टर्स के मार्क्स हैं, ठीक है, मीन्स मास्टर्स डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में विथ 60% मार्क्स, तो येस आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड बाकी भी पॉइंट्स हैं, सो यहाँ पे है कि अगर कोई और डिग्री है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो एमफिल के इक्विवेलेंट है तो भी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, अगर अभी आपका क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है एमएससी है मास्टर्स है उसका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 15 सितंबर तक का टाइम आपको मिलेगा जो कंडीशन है फुलफिल करने का, बेसिकली रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर पीएचडी फुल टाइम बेसिस के लिए, फुल टाइम पीएचडी के लिए, और आपके पास है ये, ओके सो ये बेसिकली होना चाहिए। वेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मस्ट हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जाम सच एज नेट और गेट, ओके, या फिर इंस्पायर फेलोशिप हो आपके पास, या फिर आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रहा हो, फाइन। बट उनके लिए जिनके पास नेट गेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हाउएवर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ओके फाइन। सो अगर आपके पास नेट नहीं है तो फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, बट आप एडमिशन ले सकते हैं, बट प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास नेट गेट वगैरह क्वालिफिकेशंस हैं, राइट। सो इससे एक चीज़ क्लियर है कि यस आपको फेलोशिप मिलेगी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, एनओसी वगैरह सबमिट करना होगा अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। एमसीए डिग्री है तो आप पीएचडी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरह के और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो इन्हें देख लीजिएगा। फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी यहाँ पे पॉइंट है, एंड यस यही क्राइटेरिया था। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम ही होता है बट एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ये है क्राइटेरिया, सो पहले शॉर्टलिस्ट होंगे आप फॉर इंटरव्यू या एडमिशन टेस्ट, देन यहाँ पे है आप एंट्रेंस देंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। हाउएवर जिन कैंडिडेट्स के पास यूजीसी नेट है इंक्लूडिंग जीआरएफ या गेट है, फेलोशिप होल्डर या एमफिल वगैरह किया है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटर्न से। तो यहाँ पे सिर्फ नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद हैं बट आई एम नॉट श्योर, ओके। सो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, या अगर आप में से किसी ने ऐसे वीडियो का ऑलरेडी एंट्रेंस लाइक आपने अप्लाई किया था लास्ट ईयर तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्प्शन के लिए या नहीं, दैट इज़ आप को रिटर्न देना मैंडेटरी है या नहीं, ओके। नेक्स्ट, एंट्रेंस है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे, एंड क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू आप देंगे। प्रेफरेंस नेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर है 6.2, यहाँ पे लास्ट में आप पीएचडी का देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर। सो एनुअल फी इज 72,000, आफ्टर दैट 11,000 वन टाइम चार्ज है जो आपको एडमिशन के टाइम देना होगा, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000, 20,000 हॉस्टल फी है, एंड मेस चार्जेस हैं 24,000, ओके। सो ओवरऑल आप देख लीजिएगा इसको ऐड करके। देन यहाँ पे है कि पेमेंट कैसे करना होगा, देन रिफंड के रूल्स क्या हैं इनकेस आप विदड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन, स्कॉलरशिप्स असिस्टेंटशिप्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, यूजी पीजी कैंडिडेट्स के लिए, देन एमटेक एंड पीएचडी के लिए। सो यूजीसी नेट या गेट क्वालिफाइड अगर आप हैं और आप एनरोल होते हैं फुल टाइम पीएचडी के लिए तो आपको 25,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी फर्स्ट टू इयर्स, देन 28,000 पर मंथ मिलेगा उसके बाद से, ओके। एंड कंटिजेंसी है 12,000 पर ईयर के लिए इनिशियली टू ईयर्स के लिए, देन 25,000 आपको कंटिजेंसी मिलेगा थर्ड ईयर एंड उसके बाद के लिए, ओके। सो यस अच्छी अपॉर्चुनिटी है विथ फेलोशिप अवेलेबल है यहाँ पे पीएचडी। एंड बाकी यहाँ पे प्लीज़ एक बार आप पूरे पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अवार्ड से रिलेटेड है, फिर प्रॉपर एकेडमिक फ्रेमवर्क एंड सभी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने देख लिए हैं। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले 60% मार्क्स के साथ आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, अपियरिंग है तो भी एलिजिबल हैं आप, फेलोशिप मिलेगी बट उन्हें जिनके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशन है, अगर नहीं है तो फेलोशिप नहीं मिलेगी बट हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस उन्हें मिलेगी जिनके पास नेट गेट या बाकी जो फेलोशिप होल्डर्स है उन्हें, ओके। सो यस आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे, और कोई इशू है तो बताइएगा। एंट्रेंस की डेट क्या है वो अभी तो मुझे नहीं समझ आया, बट अगर आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, अदरवाइज आप भी बता सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।